अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रवाना हो चुके हैं रावलपिंडी के जो सदर रेलवे बाज़ार में। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने राइट साइड पे ये बाज़ार है और बहुत ही बड़ा बाज़ार है। आप घूम घूम के थक जाएंगे। इधर इतनी शॉप्स हैं, इतनी वैरायटी आपको मिलेगी कि आप कहेंगे वाकई क्या बाज़ार है। आपको पता है सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो हर किसी को अभी सर्दियों की वैरायटी चाहिए होगी। तो आप देख सकते हैं मैं लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। अभी जो है ना, ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाई है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी थी, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको दो पार्ट से बनाया है। एक ये पार्ट है और एक इससे अगला आएगा जिसमें मज़ीद जो है इसमें जूतों की वैरायटी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। अगली जो वीडियो होगी उसमें पर्दे हो गए, कंबल हो गए, इस तरह की बैग्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, लेडीज़ पर्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें दिखाई जाएगी। तो ये है जी बच्चों का जो है ना, इधर ज़्यादातर वैरायटी पड़ी थी। एक स्टॉल लगा हुआ था, आप जैसे ही जाएंगे लेफ़्ट साइड पर आगे जाते जाएंगे बाज़ार के बिल्कुल ना सेंटर में ये स्टॉल लगा हुआ था और इस स्टॉल में बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी लगी थी। आप देख सकते हैं एक से एक आला किस्म की है और प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी थी और शॉप्स के हिसाब से भी अच्छी थी। जो लंडे में भी जो शॉप्स हैं ना उसके हिसाब से स्टॉल वाले बहुत ही अच्छा दे रहे होते हैं। यही शूज़ अगर आप किसी शॉप के अंदर से ले लेंगे तो बस वो आपको 500-1000 और महंगा देंगे। अगर यही आप स्टॉल से ले रहे हैं तो ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। यहाँ पर 1000, 1200, 800, 700 वो तो फिर आप पर डिपेंड करता है। आप कम भी करवा सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कम नहीं कर। आप देख सकते हैं बच्चियों की कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है, बच्चों की कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। और एक ये शूज़ था, यकीन माने मुझे इतना पसंद आया, मगर मेरा इतना कोई बेबी है नहीं था जिसके लिए मैं ले लेती, तो ये शूज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। लेदर का बना हुआ था ये शूज़ भी, आप देख सकते हैं बच्चे भी पहन सकते हैं ये शूज़, ये बच्चियाँ भी पहन सकती हैं। ठीक है, इस स्टॉल में ज़्यादातर बच्चों की वैरायटी थी, साथ ही स्टॉल लगे थे उसमें जेंट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इस बाज़ार में उस दिन जिस दिन मैं गई थी ईद मिलादुन्नबी का दिन था। ये शूज़ भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ज़बरदस्त है, कहीं से भी डैमेज नहीं था ये शूज़। ठीक है, ये बच्चियों के स्कूल के शूज़ भी आपको यहाँ पर प्योर लेदर में मिल जाएंगे। आपको पता है प्योर लेदर जब लेने जाते हैं 3000-4000, 5000, 7000 से कम में नहीं मिलता है। तो बच्चों की वैरायटी मैंने आपको दिखा ही है कि कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है। आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ों की भी वैरायटी आती जाएगी। ठीक है, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस के लिए। साथ में ही नीचे ज़मीन पे उन्होंने रखे हुए थे जेंट्स वैरायटी में जो है ऑफिस शूज़, स्टाइलिश शूज़, हर किस्म के यहाँ पर शूज़ लगे हुए थे। बहुत बड़ा था ये स्टॉल, ठीक है, स्टॉल के साथ ये बिल्कुल लगा हुआ था। ये पठान भाई थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, मुझे शूज़ उठा उठा के दे रहे थे, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। ठीक है, उसके बाद जी आगे जाएंगे, शॉप्स और भी हैं, उस पर ये स्केटिंग शूज़ की वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अगर कोई बच्चियों या बच्चों के लिए लेना चाहता है तो आपको पता है न्यू लेने जाए तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो यहाँ पे ये पेयर आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। शॉप्स उस दिन मैं जिस दिन गई, मज़े की बात शॉप्स पे ज़्यादातर बंदे थे ही नहीं। फिर मैं इधर देखूं उधर देखूं कि मैं किससे इजाज़त लेके वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी कैमरा उठाती हूं उस बंदे से इजाज़त लेके बनाती हूं कि भाई आपकी इजाज़त इसमें है, तो अगर वो लोग मुझे इजाज़त देते हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना असूल है, हर किसी का अपना माइंड है। ठीक है, तो जेंट्स वैरायटी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी यहाँ पर। लेडीज़ की वैरायटी उस दिन बहुत ही कम थी, बहुत ही कम, इसलिए मैंने लेडीज़ की नहीं दिखाई है। ज़्यादातर आपको जेंट्स वैरायटी ही नज़र आएगी और बच्चों की, लेडीज़ भी कुछ कुछ थे बीच में, मगर इस तरह कोई भी शॉप्स नहीं थी जहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी भरमार, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि ईद मिलादुन नबी के दिन में गई थी तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स तो बंद थी। ये इक्का दुक्का ही वहाँ पर खुली हुई थी, एक दो दुकानें खुली थी, नहीं तो सारी शॉप्स यहाँ पर बंद थी। जेंट्स वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखाती जाऊँगी साथ साथ। अब देखेंगे ये शूज़ भी देख लें, आप लेदर में बने हुए हैं, और भी देख लें, ये गोल्डन वाले देख लें, मतलब वैरायटी यहाँ पे आपको A1 मिलने वाली है और इम्पोर्टेड वैरायटी है सारी, ये कोई भी पाकिस्तान का माल नहीं है। वही शूज़ जो आपको 10-15 हज़ार में मिलता है वही यहाँ पे शूज़ आपको 1000-1500 में, 1200 में इस तरह का मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे लिहाज से ये बाज़ार बहुत ही अच्छा था। मैं कभी भी इस साइड पर नहीं आई थी, पिंडी की रहने वाली हूँ मगर कभी नहीं आई, तो मेरे जो है ना सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं इस जगह पर आई थी, तो मुझे अच्छी लगी ये जगह। इंशाल्लाह आगे
जैसे सर्दियों की और भी ज़्यादा वेराइटीज़ आएंगी तो हम यहाँ पर विज़िट करके आपको दिखाएंगे। कोशिश करूँगी कि लेडीज़ की जो है ना ज़्यादा वेराइटी मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये वीडियोज़ में तकरीबन बच्चों की वेराइटी होगी और जेंट्स की वेराइटी होगी। ये तो अभी स्टार्ट है सर्दियों का, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे वीडियोज़ पर तो मैं आपको और भी मज़ीद चीज़ों का विज़िट करवाऊँगी, शॉप्स का विज़िट करवाऊँगी। मेरा इरादा है कि मैं रावलपिंडी में जो चाइना मार्केट है उसको भी कवर करूँ और राजा बाज़ार को, सब बाज़ारों को कवर करके आपको दिखा सकूँ, आप तक अच्छी नॉलेज पहुँचा सकूँ, ताकि जो मेरी बहनें घर में बैठी हैं उनको पता लगे कि कौन सी जगह पे कौन सी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये, मतलब हर टाइप के यहाँ पे शूज़ हैं, हर टाइप के, फैंसी से लेके सिंपल, मतलब छोटे बच्चे से लेकर ना बड़ी एज के बंदे तक यहाँ पे वैरायटी है। ये तो अभी एक दो शॉप्स का ही मैंने, तीन चार शॉप्स का विज़िट किया, तो फिर जो मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं वीडियो में लेकर आई हूँ, और जो नहीं अच्छी लगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे, कि बहुत सी वैरायटी ऐसी भी थी जो बिल्कुल बेकार थी, वो देखने के भी काबिल नहीं थी, मगर ज़्यादातर वैरायटी आपको यहाँ पर 80% वैरायटी जो है यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन और अच्छी मिलेगी। ये लेडीज़ की कुछ वैरायटी लगी थी, मगर मेरे हिसाब से ये वैरायटी मतलब बिल्कुल फारिग थी, काम की नहीं थी, और इसकी प्राइस भी इन्होंने थोड़ी सी हाई लगाई हुई थी, तो इस वजह से मेरे तो मुझे नहीं लगा कि ये किसी काम की है वैरायटी। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, उसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा।